गुजरात के अहमदाबाद में 142वीं रथ यात्रा मनाई जाने वाली है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले जल यात्रा भी निकाली जाती है। इस जल यात्रा को मिनी यात्रा कहा जाता है। जल यात्रा के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। जल यात्रा में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और अहमदाबाद की मेयर बिजल पटेल भी मौजूद रहे। 142वीं रथ यात्रा 4 जुलाई को पूरे अहमदाबाद में मनाने जाएगी। ठीक उसके 15 दिन पहले जल यात्रा निकालने में आती है। ये सबसे पहली विधि होती है। काउंटडाउन शुरू हो गया है रथ यात्रा का, यानी जेठ सूद पूनम के दिन ये जो जल यात्रा है वो निकालने में आती है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जल यात्रा को स्नान यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ और सात बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी का ज्येष्ठा अभिषेक होता है। मानने में आता है कि गर्मियों की कड़ी धूप में भगवान को भी गर्मी लगती है, इसीलिए उनका 108 कलश के जल से अभिषेक करने में आता है। आप यहाँ पे 3 रथ देख सकते हैं। सबसे पहला जो रथ होता है वो भगवान जगन्नाथ का होता है, और जो दूसरा रथ होता है वो बहन सुभद्रा, और तीसरा जो होता है वो भाई बलभद्र का होता है। तीनों लोग एक साथ सवार होते हैं और यहाँ पे 108 कलश जो होता है उसमें पानी भरने में आता है। जल यात्रा मिनी रथ यात्रा के से कम नहीं होती, क्योंकि रथ यात्रा के दिन की तरह ही आज भी भजन मंडली, रास मंडली, करतबबाज सब देखने मिलता है। भगवान लेकिन उनके रथ पे सवार नहीं होते, बैलगाड़ी पर भगवान निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे ही इधर नजर करें तो करतबबाज पिछले 2-3 सालों से ये प्रचलन में है कि पहले तो रथ यात्रा के दिन ही ये अखाड़े वाले जो होते थे वो अपना कर्तव्य दिखाते थे, लेकिन अब से जल यात्रा में भी ये सारे जो अखाड़े होते हैं, कर्तव्यबाज होते हैं, वो आते हैं। फिर 15 दिन बाद भगवान के भव्य से भव्य रथ यात्रा निकलती है, जिसमें आज से कई गुना ज्यादा भक्त भी इसमें शामिल होते हैं। प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ हर साल आषाढ़ी बीज पर सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है। लाखों लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। उस रथ यात्रा के पूर्व प्रणालीगत पद्धति से जल यात्रा का यहाँ शोभा यात्रा निकलती है, और साबरमती नदी में से पवित्र नर्मदा मैया का, गंगा मैया का पानी लेके उसका पूजन करके फिर दिलीप दास जी महाराज के हस्ते भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है, और हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। अभी पूजन चल रहा है, बाद में पानी लेने का कार्यक्रम होगा, पूजन होगा, और फिर मंदिर में जाके वहाँ भगवान को स्नान कराएंगे। मेयर बिजल पटेल भी जुड़े हुए हैं। मैम, कैसा लग रहा है ये रथ यात्रा में, क्या मान्यता है इसकी? बहुत खुश हूँ इस जल यात्रा में हाजिर होते हुए। मेरे साथ कॉर्पोरेशन के सभी पदाधिकारी भी हाजिर है, मंदिर के महंत श्री हाजिर है, सब ट्रस्टीगण और नगरजन के साथ इस कार्यक्रम में हाजिर होने से बहुत ही खुशी का माहौल मैं महसूस कर रही हूँ। और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद की जो प्रगति हो रही है वो ऐसे ही बढ़ती जाए और सभी नगरजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यानी इन्होंने मनोकामना की है कि सारे नगरजनों का जो स्वास्थ्य है वो एकदम अच्छा रहे। कैमरामैन साजिद आलम के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।